प्यारे छात्रों, सागर और मेघ के दूसरे भाग का सारांश लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो छात्रों, परिवर्तन जीवन का एक नियम है और इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। छात्रों, पतझड़ के बाद वसंत की बहार अधिक ही अच्छी लगती है। यही यदि पतझड़ ना होता तो ये वसंत का महत्व भी ना होता। देखो छात्रों, परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। यदि पुराने सिद्धांतों के पर अगर हम ध्यान दें तो पुराने सिद्धांत के स्थान पर नए सिद्धांत ना आते तो मानव समाज इतनी उन्नति नहीं करता जितना कि आज हम जहां पर खड़े हैं। तो छात्रों, हमको पुराने सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है और नए सिद्धांत को लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। आज के लिए इतना ही, अब अगले भाग के लिए इंतजार कीजिए।